देखिए मान लीजिए इस तरह आपको सवाल दे रहा है, 22 का गुणा 23 में करना रहेगा तो कैसे हम लोग इसको गुणा करेंगे आसानी तरीके से? पहले इसको एरो द्वारा मतलब कि तीर द्वारा हम कैसे गुणा करेंगे? पहले जो 22 है, 22 को पहले पहला अंक देखेंगे, 2 है फिर 2 है तो 2 ठे इस तरह लाइन खींचेंगे, 1 2 फिर 2 है 2 ठे नीचे लाइन खींचेंगे, 1 2 इस तरह लाइन खींचेंगे, देखेंगे फिर 23 से गुणा है, इसमें 22 का गुणा 23 में है तो पहला वाला 2 वाले को देखेंगे 2 ठो है तो 2 ठो इधर लाइन खींचेंगे, 1 2 और 3 यहाँ पर रहते 3 ठो लाइन यहाँ पर खींचेंगे, 1 2 3 तीन ठो लाइन इधर खींच दिए, यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हम देखें कितनी बार तीरे काटी हैं लाइने, 1 2 3 4 5 6 बार लाइन काटे तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, 6 बार काटे और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 चार बार यहाँ पर काटा है, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर, 6 4 10 10 बार यहाँ पर काटा है तो 10 को 0 लिखेंगे, आसिफ 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 चार बार यहाँ काटा है, 4 में 1 आसिफ जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 506। अब इसका हम यहाँ पर जांच कर ले रहे हैं कि यहाँ पर सही हो रहा है कि नहीं, 22 का गुणा 23 में गुणा करेंगे, 23 में गुणा करेंगे तो देख ले रहे हैं 3 दुना के 6 3 दुना के 6 फिर 1 अंक घटाकर 2 दुना के 4 2 दुना के 4 अब जोड़ देंगे 6 6 4 10 4 1 5 यहाँ पर गुणा करने पर 506 आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये हम लोग का मेथड सही है। इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा सवाल दे दे, 33 में गुणा 23 को गुणा करने के लिए तो इसको हम एरो द्वारा कैसे हल करेंगे? पहले 3 ठो लाइन इस तरह खींचेंगे, दिया है 33 फिर 3 बार 3 लाइन खींचेंगे फिर 3 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 फिर 1 2 3 चलो ना, जैसे देखिए 3 यहाँ पर लिखा है, 3 यहाँ पर, 3 छोड़े इधर खींच दिए, 3 छोड़े आयरन नीचे खींच दिए, फिर 2 लिखा है तो 2 लाइन इधर खींचेंगे, 2 लाइन इधर, 3 लाइन यहाँ लिखा है तो 3 लाइन इधर खींचेंगे, 1 2 3 3 लाइन इधर खींच दिए, जितनी जगह यहाँ पर पहले देखेंगे पहला स्थान पर इसको देखेंगे, दूसरे स्थान पर इसको और इसको देखेंगे, तीसरे स्थान पर इसको देखेंगे, पहले स्थान पर कितने बार तीरे काटे हैं आपस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार काटे हैं तो 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर काट देखेंगे कब बार काटा है, 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर काटा है, अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार यहाँ पर काटा है, 9 बार यहाँ पर काटा है, 6 बार यहाँ पर काटा है, 9 6 15 15 को 5 लिखेंगे, 81 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितने बार काटा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है कि 81 उसमें जोड़ देंगे तो 7 हो रहा है, 759 आएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 759। हम इसके उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ पर देख ले रहे हैं 33 का गुणा 23 में कर रहे हैं, आ रहा है कि नहीं उतना, देख लें तितली के 9 को 9 हो गया, 3 दुना के 6 तितली के 9 9 6 15 जितने 6 7 759 759 यहाँ पर भी आया, इसलिए हम लोग का मेथड सही है। इसी पर एक और सवाल देख रहे हैं, मान लीजिए 41 का गुणा 11 में करना है, 41 का गुणा 11 में करना है तो पहले 4 गुणा इस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 चार लाइन लिख लिए, फिर नीचे एक लाइन लिखेंगे, एक है तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना है, एक है तो एक लाइन इधर लिखेंगे, एक इधर पे एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे, पहले स्थान पे इसको देखते हैं तो एक बार काटा है तो इसको एक लिखेंगे, आप देखेंगे इसको और इसको आपस में एक कितनी बार काटे हैं, यहाँ पर एक बार काटा है,
यहाँ पर एक बार कटा है, एक बार यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए कितनी बार कटा है, एक दो तीन चार, चार बार यहाँ पर कटा है, चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच हो जाएगा, पाँच लिख लिए। अब यहाँ पर देखें कितनी बार कटा है, एक दो तीन चार, चार मतलब चार बार यहाँ, इसको अंगूठा करेंगे, इकतालीस का ग्यारह अंगूठा होगा तो चार सौ इक्यावन होगा। इसको हम यहाँ पर साल बदल के देख रहे हैं कि सही है कि नहीं, इकतालीस का अंगूठा ग्यारह में करेंगे तो ग्यारह कम है ग्यारह, ग्यारह चौवालीस, एक पैंतालीस, चार सौ इक्यावन, चार सौ इक्यावन यहाँ पर भी इसका आंसर सही है। आगे देख रहे हैं तेईस का गुणा पच्चीस में करना है, बासठ का गुणा तेईस में करना है छठवा, तैतीस का गुणा पच्चीस में करना है, ग्यारह का गुणा तेरह में करना है, उन्नीस का गुणा सत्रह में करना है। यहाँ पर इन प्रश्नों को आप लोग हल करके देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, आया कि नहीं समझ में? तीर वाला आया कि नहीं समझ तुम लोग को? ये तीर वाला आ गया समझ में? हाँ बंद कर।